गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। या ये देखो, पहले तो 8 घंटे की नींद पूरी करो, अच्छा खाना खाओ और खुश रहो। आई थिंक दैट्स इनफ टू बी ब्यूटीफुल एंड हैप्पी। ये जो आपके बेल बॉटम्स हैं बड़े अच्छे से लग रहे हैं, लिटरली एकदम। या आई नो, आज आई विल डैजल लिटरली, सबको चश्मे लगाने पड़ेंगे, इतना शाइन होने वाला है अब लिटरली। व्हाट आर यू वेयरिंग तापसी? व्हाट आर यू वेयरिंग लिया देकर आप? ओके तापसी, व्हाट यू वांट टू से अबाउट योर रिसेप्शन मिला है तो बदला, योर सेकंड आउटिंग विद बच्चन सर? या इट्स बीन लव सो मच, नाउ आई कैन कन्विंस हिम फॉर अ थर्ड वन हैप्पीली कि सर दो हो गए अब हैट्रिक बनती है। नो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज आई रिमेंबर ये पिक्चर जब स्टार्ट करी थी तो वेन आई साइन दिस अप, उस टाइम पिक्चर में कोई था नहीं। एंड वो बड़ा टेस्ट ऑफ कन्विक्शन हो जाता है इस तरह की पिक्चर में, जब यू गेट इन टू इट फर्स्ट थिंकिंग कि हाँ इट विल वर्क। इस पिक्चर में कन्वेंशनली जो हम हिंदी सिनेमा में चीज़ें बोलते हैं कि ना गाने थे, ना कॉमेडी थी, ना एक्शन था, इनफैक्ट 1.5 घंटा तो पिक्चर की वॉज अक्रॉस द टेबल इन अ रूम, सो इट वॉज लिटिल स्केरी फॉर अस टू सी के ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। बट आई थिंक जो रिस्पॉन्स आया है, आई थिंक नाउ वी कैन रियली पुश द एनवलप एंड नो बेंचमार्क्स आर हायर, पीपल आर ओपन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेमा, अब वो वैलिडेशन मिल गया। या मुझे भी आ रही है, मैं आई वॉज शूटिंग इन जौहरी, जब मुझे भी एक खबर आई तो मैंने सबसे पहले जर्नलिस्ट को फ़ोन कर लगा कि आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे भी बता दो किसने बोला है, ताकि आई ऑल्सो गेट रेडी टू गेट दैट ऑफर, बिकॉज अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं है उस पिक्चर के बारे में। इट्स नॉट अबाउट बींग लकी, आई थिंक इट्स लाइक बोथ ऑफ अस प्रॉब्ली आर ऑन द सेम पेज इन टर्म्स ऑफ वॉट काइंड ऑफ फिल्म वी वॉन्ट टू डू टूगेदर। So, and it's not about him or me, it's about the entire team, yaar. You cannot take away the fact that Shujoy Ghosh is the director and it's director's vision which makes a film. So, I don't think it's right to give credit to either of us. It's a team's effort and we should credit everyone. Okay. Tapsi, actors are jumping from medium to medium. They are exploring more and there are, jo talent hai, unko bahut kaam mil raha hai. So, web series ke baat mein, are you open for any web series? If yes, then what kind of genre you're looking for? There's no fixed genre. But agar mujhe aisa kuch milta hai, jo mujhe lagta hai, main mainstream mein nahi mil paayega, aisa kuch jo mainstream mein main nahi kar pa rahi hun, then I will experiment and try to come on OTT. Until then, there's no point trying. So what do you say about the current trend that is happening on OTT? क्या ट्रेंड है? What's your take on the current trend which is happening on OTT? What is the trend? जिस तरीके से शोज आ रहे हैं, मिर्ज़ापुर हो गया या इनसाइड है। I mean it's nice, at least Made in Heaven हो गया। People, there are a lot of actors and a lot of directors who have, you know, probably are not able to get a certain platform in films who are able to get that. I think that is it's really good. क्या बताऊँ? Thank you. आउटहाउस की ज्वेलरी है एंड इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज दे पेयर अप अच्छे से हुई है, सो थैंक्स देव की माई स्टाइलिस्ट, शी डज इट गुड जॉब विद मी एंड हेंस आई एम एट स्टाइल अवार्ड्स, थैंक गॉड। द डे आई फील ऑडियंस इज कमिंग इन थिएटर्स टू सी अ फिल्म बिकॉज दे नो इफ आई हैव डन इट, इट्स गोना बी वर्थ देयर टाइम, आई डोंट माइंड। थैंक यू।